हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं मिलान मालपेंसा एयरपोर्ट पे आ चुका हूं और मैं जाने वाला हूं पाकिस्तान। और ओमान एयरलाइन की मेरी टिकट है और मेरा पहला एक्सपीरियंस है ओमान एयर के साथ। तो देखते हैं वो एक्सपीरियंस कैसा चलता है। और अभी मैं चल के बोर्डिंग करवाता हूँ क्योंकि 3 घंटे सिर्फ रह गए हैं और फिर आपको बताता हूँ कि आगे एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी जल्दी से चलते हैं अपने बोर्डिंग टर्मिनल की तरफ, तो वहाँ से बोर्डिंग अपनी क्लियर करवाते हैं सबसे पहले। तो आप देख रहे हो अभी तक यहाँ पे इस तरफ तो इतने बंदे नहीं हैं, मगर हम अपने एरिया में चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सीन है। तेरी है वहाँ पे तो इतनी लंबी बोर्डिंग की लाइन लगी हुई है। ओहो, बोर्डिंग हमारी हो चुकी है और अब हम जाने वाले हैं यहाँ पे चेकिंग काउंटर पे, वहाँ पे अपनी चीज़ें चेकिंग करा के और फिर हम जाएंगे फ्लाइट की तरफ। भाई सिक्योरिटी चेक जो है ना वो बहुत ही मुश्किल से हुआ है, बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा वो चेकिंग कर रहे थे। अभी मैं इस लाउंज में पहुँच गया हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी के बाद, यहाँ से आप जो है ना शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। जितनी भी ड्यूटी फ्री शॉपिंग होती है तो वो आपको इजाज़त होती है। अगर आप कोई भी लिकोर वगैरह कोई भी चीज़ अपनी खाने पीने वाली अंदर ले कर जाना चाहते हो जहाज़ में, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। बाहर वाली आपको बाहर ही फेंकनी पड़ती है अगर आपके शोल्डर बैग में या कुछ। तो अभी मेरी बैटरी भी कम है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन साथ साथ देता रहूँ और आप मेरी जर्नी के साथ आप भी बने रहें। फिर मैं देखता हूँ अगर मुझे चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है तो फिर मैं मोबाइल थोड़ा सा चार्ज करके फिर बाकी आपको अगली भी जर्नी अपनी दिखाता हूँ। फाइनली अब जो लास्ट हमारा था, लास्ट स्टेज थी पासपोर्ट चेक की, वो भी हो चुकी है। अब मैं सिर्फ अपने एरोप्लेन की तरफ जा रहा हूँ। अब यहाँ से आप बाहर, अभी तो अंधेरा सही नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर यहाँ से आप जो है ना आप बाहर देख सकते हो कि हम बिल्कुल अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में। फाइनली इतनी देर के बाद अब हम जो है ना एरोप्लेन के अंदर एंटर होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि 3 फ्लाइट थे और बहुत ज़्यादा ही रश था यहाँ पे। Thank you. तो भाई फाइनली मस्कत एयरपोर्ट पे हम लैंड कर चुके हैं और अब इसके बाद अपना जो अगला गेट वो गेट नंबर ढूंढते हैं क्योंकि बोर्डिंग पास हमारे पास ऑलरेडी है। और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है मस्कत एयरपोर्ट का वो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना भीड़ नहीं है। जैसे जो दुबई एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है, ये उस तरह तो नहीं लग रहा और खूबसूरत भी बना हुआ है। वहाँ पे जो है सेल्फ मशीन लगी हुई है, उसके ऊपर आप जो है ना अपना बोर्डिंग पास पंच करोगे और बोर्डिंग पास पंच करने के बाद फिर आप जो है ना उस गेट से बाहर निकल सकते हो। मुझे आपको एक और बात बतानी थी कि इस एयरपोर्ट पे जो है ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक है। दुबई एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर उन्होंने दोबारा हमसे एक बार फिर जो है ना सारी हमारी जो चीज़ें हैं वो ली हैं और सिक्योरिटी में चेक किए हैं और फिर हमें आगे जाने दिया। वैसे दुबई एयरपोर्ट में ऐसा नहीं है, जब आप ट्रांजिट करते हो तो आपको सिंपली से जो है ना आगे आगे चले जाना है, जहाँ पे आपका गेट है उस तरफ आपको चले जाना है। कोई भी आपकी बोर्डिंग पास वगैरह दोबारा चेक नहीं करते और ना ही कोई जो है ना
आपकी सिक्योरिटी चेक होता है दोबारा, मगर यहाँ पे वो बहुत स्ट्रिक्टली जो है ना सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे थे। आपको यहाँ की एक और बात बतानी थी कि यहाँ पे ना आप जब यहाँ पे अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना रिलीजियस फीलिंग यहाँ पे आती है, क्योंकि जो ओमान है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो उस वजह से यहाँ पे आपको एक अरेबिक फीलिंग और एक रिलीजियस फीलिंग और यहाँ की वो जो बहुत ही प्यारी प्यारी सेंट्स हैं वो आपको जो है ना खुशबू हर तरफ आपको तब्दील होती नज़र आती है, और बहुत ही प्यारा जो है ना बहुत ही अच्छा जो है ना बना हुआ है एयरपोर्ट। और दुबई एयरपोर्ट है जो वो ज़रा कमर्शियल टाइप बना हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह जो फॉरनर्स है वो आते हैं, मगर यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे एक और ही मैंने अपनी जो सकाफत है उसे शो किया हुआ है, उसे प्रजेंट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ओमान एयरपोर्ट पे आ रहे हो ना मस्कत में, तो आपको यहाँ पे वाईफाई यूज़ करने के लिए आपने सिंपली आपको ये मशीन मिलेगी, इस जो है ना मशीन को आपने यहाँ से इंग्लिश पे क्लिक करना है, प्रेस टू स्कैन करना है, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, और ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिकली आपको जो है आपको एक पिन जनरेट कर देगी जो आप अपने मोबाइल पे गूगल पे लगा के और आप जो है ना वाईफाई में एंटर कर सकते हो। और यहाँ पे जितनी आपकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन है यहाँ पे आपको स्टे करना है उतने जो घंटे हैं ना वो आपको अलाउ करेंगे आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो। तो अभी जी सारे गेट से हो के अपनी जो हमारा जो C10 गेट था उसके अंदर हम वेटिंग रूम में आके मैं बैठ चुका हूँ, और अब सिर्फ पाकिस्तान की फ़्लाइट रह गई है। और जहाँ आपको मैं एयरलाइन का एक्सपीरियंस बता दूँ, क्योंकि ओमान एयरलाइन पर मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो उसकी सीट्स थोड़ी सी कंजेस्टेड हैं, जो स्पेस है ना लेग स्पेस वो थोड़ी सी कम है, बाकी सीट्स इतनी ज़्यादा ना कंफर्टेबल है ना इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। और उसके अलावा उनकी सर्विस वगैरह वो बहुत अच्छी थी। उसके अलावा ओमान एयरपोर्ट का मेरा दुबई से भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दुबई का एयरपोर्ट जो है वो कमर्शियल एयरपोर्ट है, और जो ओमान एयरपोर्ट है उसका तो एक ना एक फील ही अलग आती है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मैंने देखा है कि बहुत सुपर है। और वैसे भी इन्होंने जितनी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं, जितना अच्छी डेकोरेशन की हुई है वो भी अच्छी है, और बाकी तकरीबन सेम ही है सारे एयरपोर्ट, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो चीज़ें होती हैं वो तकरीबन हर एयरपोर्ट पे सेम ही होती हैं। उम्मीद है आपको ये भी मेरी वीडियो से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आगे अब मेरी पाकिस्तान की जर्नी रह गया, तो फिर जब मैं पाकिस्तान में पहुँचता हूँ तो फिर आपको वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। तो जी अभी फाइनली हमारी जर्नी पाकिस्तान के लिए स्टार्ट होने वाली है, और अब हम मस्कत से जाने वाले हैं लाहौर, कुछ घंटों के अंदर आप अपने कंट्री में पहुंच जाएंगे। तो जी अभी हमने फ्रेश फ्रूट हो लिया है यहाँ पे, और अब बाहर चलते हैं और फिर बाहर चल के अपने भाई वगैरह को मिलते हैं और देखते हैं क्या रिएक्शन। अभी वहाँ से जाके अपना बैगेज कलेक्ट करना है, अजान हो रही है तो इस वजह से बाद में फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। चल के पहले अपना बैग ढूंढ के मेरा आ गया आपका कलेक्टर के में मेरा नहीं है। आज तो यहाँ पे मौज लग गई, आज 10-15 मिनट के अंदर सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो गया और अब मैं बाहर जाने वाला हूँ। पिछली दफ़ा मुझे बैगेज कलेक्ट करते हुए बहुत ही टाइम लग गया था, और आज जो है इमिग्रेशन पे भी जो है ना वो इतना टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे टैग चेक करने रोक लिया था, पता नहीं क्यों टैग चेक करते हैं, मगर चलें सही है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ही है। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है कहाँ पे, चलो देखते हैं अब उन्हें ढूंढते हैं। वो देखो
वो सामने आ गए लेने, और वो हसन हसन आ गया। ये देखो हसन साहब भी आए, वो देखो। तो फाइनली हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं, इतनी खजल हमारी के पास। अस्सलाम वालेकुम जी भाई जान। वालेकुम सलाम जी, सुनाओ ठीक हो? तो जी फाइनली हम आ गए पाकिस्तान में, और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना। बोला है सब्सक्राइब कर दो, नहीं करो नहीं कर देना सब्सक्राइब।